हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेखक शरद जोशी जी के जीवन परिचय की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। देखिए, आप कोई भी लेखक परिचय लिखें आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं। पहला है हमारा रचना है, दूसरा भाषा, तीसरा शैली और चौथा साहित्य में स्थान। अगर आपको उस लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, ये सब पता है, अगर एग्जैक्ट पता है तो ही आप लिखें, अगर नहीं है तो आपको वो चीज़ें नहीं लिखनी है। अगर आप ये 4 पॉइंट भी लिखकर आएंगे तो आप पूरे पूरे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शरद जोशी जी का जन्म 23 मई 1923 को उज्जैन में हुआ था। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि शरद जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो उज्जैन में हुआ। कब हुआ, तो 23 मई 1923 को हुआ। इनके पिता का नाम श्रीनिवास और माता का नाम शांति था। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 को हुई। देखिए, इनसे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि शरद जोशी जी का जन्म कब हुआ, तो 23 मई 1923 को, कहाँ हुआ, तो उज्जैन में हुआ। इनके पिता का नाम श्रीनिवास और माता का नाम शांति था। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 को हुई। अब देखिए, कोई भी लेखक परिचय की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है रचनाएँ। रचनाएँ अगर आप एग्जैक्ट लिखकर नहीं आएंगे तो आप पूरे पूरे मार्क्स कभी भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रचनाएँ सबकी फिक्स होती हैं। तो आपको कम से कम 5 या 6 रचनाएं याद करनी होंगी। एग्ज़ाम में सिर्फ 2 लिखने को आती हैं। अगर आप भूले भी तो कम से कम आपको 2 याद रह सकें। तो रचनाएं हमारी, अंधों का हाथी, पिछले दिनों, तिलिस्म, यथासंभव, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, मैं और केवल मैं, सांच को आँच क्यों, उत्सव, ये सारी हमारी रचनाएँ श्री शरद जोशी जी की। पहली है हमारी अंधों का हाथी, पिछले दिनों, तिलिस्म, यथासंभव, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, मैं और केवल मैं, सांच को आँच क्यों और उत्सव। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 2 लिखने को आती हैं, आप 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। कम से कम आपको 5-6 रचना याद करनी है ताकि भूलो भी तो भी कम से कम 2 याद आपको रह सकें। उसके बाद है हमारी भाषा। शरद जी की भाषा अत्यंत सरस व सरल है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। देशज और विदेशज शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, देशज शब्द होते हैं जो लोकल में बोले जाते हैं और विदेशज शब्द जो बाहर बोले जाते हैं। तो आपने लोकल में बोले जाने वाले शब्दों का भी उपयोग किया है और बाहर बोले जाने वाले शब्दों का उपयोग भी किया है। आपने कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। शब्दों का चयन एकदम सटीक है आपका। स्थान स्थान पर मुहावरों का प्रयोग किया है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन गई है। देखिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने मुहावरों का प्रयोग किया है, उससे आपकी भाषा एकदम प्रभावशाली बन गई है। व्यंगों का बड़ी सरलता से उपयोग किया है। आपकी भाषा में सरलता के साथ साथ चुटकीलापन भी है। आपने सामाजिक बुराइयों को बड़ी सरलता से उकेरा है। समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनका आपने बड़ी सरलता से वर्णन किया है। ये हमारी भाषा हो गई। उसके बाद है शैली। तो शरद जी की भाषा मुख्य रूप से हास्य व्यंग प्रधान है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को बड़ी सरलता से वर्णन किया है। वे अपनी चमत्कारिक उत्प्रेक्षाओं से व्यंग की सर्जना करते हैं। आपने हास्य व्यंगों से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया है। आपने जो रचनाएं की हैं वो हास्य व्यंग की हैं, जिनसे पढ़ने वालों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, उन हंसी आई, गुदगुदाए हैं वो लोग। आपकी आलोचनात्मक शैली भी व्यंग से पूर्ण है। आपने राजनेताओं पर भी तीखे व्यंग किए हैं। आपके हर व्यंग में ओज कपट मिलता है, इसलिए बुद्धिजीवी उनके तर्क, शब्द शैली, भाषा शैली और विचारों की पकड़ का लोहा मानते हैं। ये हमारी शैली हो गई। उसके बाद है साहित्य में स्थान। तो शरद जी के ओज पूर्ण व्यंगों ने अपने समय में खूब लोकप्रियता हासिल की। शरद जी मुख्य रूप से व्यंगकार थे। तो शरद जी के ओज पूर्ण व्यंगों ने, यानी कि गुस्से वाले व्यंगों ने अपने समय में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं के माध्यम से सारे देश को एक सूत्र में बांधा। शरद जी ने हिंदी के गंभीर व्यंगों को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाया। हिंदी गद्य साहित्य आपका हमेशा ऋणी रहेगा। हिंदी गद्य साहित्य में आपका अभूतपूर्व योगदान है, स्थान है। एक बार और हम साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो शरद जी के ओज पूर्ण व्यंगों ने अपने समय में खूब लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं के माध्यम से सारे देश को एक सूत्र में बांधा। शरद जी ने हिंदी के गंभीर व्यंग को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाया। हिंदी गद्य साहित्य आपका हमेशा ऋणी रहेगा और हिंदी गद्य साहित्य में आपका अभूतपूर्व स्थान है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।